आप सभी भाइयों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आज इस वीडियो में तो आपको ए टू जेड एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, जिससे आपका जो शरीर बिल्कुल एकदम बॉडी बिल्डिंग की तरह नज़र आएगा, बिल्कुल आप बॉडी बिल्डर लगोगे। तो गाइस, पहले करते हैं अपना वार्म अप। तो गाइस, आप इस तरह से वार्म अप कर सकते हो। तो वार्म अप में मैं दो तीन एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आप वार्म अप कर सकते हैं। वार्म अप करना क्यों ज़रूरी है? तो गाइस, इससे जो हमारा शरीर गर्म होता है और वर्कआउट के दौरान इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो गाइस, पहले आप इस तरह से कर सकते हैं और दूसरा आप इस तरह से लगा सकते हैं। बिल्कुल गाइस, आपको आराम से लगाना है, बिल्कुल आपको तेज़ी नहीं दिखानी, आराम से बिल्कुल। ठीक है गाइस, आप मैं दो तीन वो एक्सरसाइज बताऊँ, आप किसी भी एक्सरसाइज को 5 मिनट तक कर सकते हो। ठीक है, इसे आपका शरीर बिल्कुल गर्म हो जाएगा। वैसे भी आज का सर्दियों का मौसम है, इसलिए आपको पहले अपना शरीर गर्म करना होगा। और इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से आपको खड़े होना है और बैठना है, बिल्कुल इसको स्क्वाट बोलते हैं गाइस। वैसे आपको पता होगा लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता, इसे स्क्वाट कहते हैं। आपको इस तरह से लगाने, बिल्कुल बिल्कुल आप इस तरह से लगा सकते हो। ठीक है गाइस, आप जब आप शुरुआत में है तो अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि जैसे एक दिन हफ्ते में एक दिन आप बाइसेप का करो, ट्राइसेप का करो। ठीक है, मेरा मानना है कि आप जब इस समय बिगिनर हो, आप इसी समय वर्कआउट करना शुरू कर रहे हो, तो आप डेली सभी एक्सरसाइज को कर सकते हो। लगभग आप 1 महीने तक हर एक्सरसाइज को कर सकते हो। इससे जो है आपके शरीर बिल्कुल भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हाँ, लेकिन हाँ, उसके बाद जब आपका शरीर बन जाता है, उसके बाद आप करते हो, उसके बाद आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो गाइस, आपको फिर वार्म अप करने के बाद थोड़े 30 सेकंड तक आपको बिल्कुल बैठ जाना है और बिल्कुल सांस गहरी लेनी है और छोड़नी है। ठीक है गाइस, आप गहरी सांस लेनी है और उसे बाहर छोड़ना है। तो उसके बाद ठीक है गाइस, आपको अगला वर्कआउट करना है। तो गाइस, आप पुशअप लगा सकते हो बिल्कुल। ठीक है गाइस, आप इसके 4 सेट और 12 रेपिटेशन लगा सकते हो गाइस। ठीक है, आपको मिनिमम कितने 30 दिनों तक ऐसे ही फॉलो करना है। और उसके बाद जैसे आपको लगता है कि आपका शरीर शेप में आने लगा है, तो जैसे अब लगा लो आप अंदाजा कि किस तरह से शेप में आने लग गया होगा। और उसके बाद आपको बिल्कुल आपको तब हफ्ते के दिनों के हिसाब से आपको चलना होगा। जैसे आप मंडे को बाइसेप और ट्राइसेप का, ऐसे ही ट्यूसडे को आपको पुशअप लगा सकते हो और वेडनेसडे को आप पुलअप्स लगा सकते हो। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो। लेकिन हाँ, जब आप बिगनर हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ए टू जेड जो है वो कर दो। ठीक है, अब बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। हमने पुशअप लगा दिया है। तो गाइस, आप इस तरह से लगा सकते हो। आपके पास नहीं है तो आप किसी भी चीज़ या लकड़ी से कर सकते हो, थोड़ा वजनदार होने चाहिए। आपको इस तरह से परफेक्ट लगाना है बिल्कुल गाइस। ठीक है, इससे जो आपके डोले होते हैं ना वो बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, आपके बाइसेप जो होंगे वो एकदम गोल शेप में आ जाएंगे और भारी नज़र आएंगे। ठीक है गाइस, आप बिल्कुल एकदम बॉडी बिल्डर की तरह लगोगे। ठीक है, आपको ऐसे रोज करना है एक्सरसाइज, आपको कभी छोड़ना नहीं है। सुबह को मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सुबह थोड़ा रनिंग करें। ठीक है गाइस, रनिंग करने से क्या होता है कि हमारा शरीर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहती है, और उसके साथ हमारा जो वर्कआउट में स्टेमिना चाहिए ना गाइस, वो भी उससे बनता है। ठीक है गाइस, आपको बस इस तरह से लगाना है। ठीक है गाइस, आराम से लगाना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको आराम से लगाना है, बिल्कुल आराम आराम से। ठीक है, इससे क्या होता है गाइस, कभी कभी हम तेज़ी से लगाते हैं तो हमारे जो होते हैं हमारे शोल्डर या आर्म बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो गाइस, जिसे हम अगले दिन शायद वर्कआउट नहीं करते, ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आती हैं। तो गाइस ठीक है, आपको फिर यहाँ पर बैठ जाना है बिल्कुल 30 सेकंड गाइस। और उसके बाद जो आपका जो है, आप आराम से बैठिए और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। आपको 30 सेकंड बिल्कुल बैठना है तक गाइस। ठीक है, मैं वीडियो गाइस इतनी लंबी नहीं बना रहा हूँ जिससे गाइस आपको डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए मैं हल्का हल्का दिखा रहा हूँ। ठीक है गाइस, आप किस तरह से बैठना है आप यहाँ देख सकते हो, मैं आराम से बैठा हूँ। और ठीक है, अब 30 सेकंड बाद हम फिर वर्कआउट करेंगे।
तो गाइस चलते हैं अगले वर्कआउट की ओर। तो गाइस आपको इस तरह से लगाना है, ठीक है गाइस। इसकी जो आपकी बैक है बिल्कुल चौड़ी हो जाएगी, चौड़ी नज़र आएगी बिल्कुल गाइस। ये देसी तरीका है, ठीक है गाइस। यदि आप पुलअप्स नहीं लगा पाते हो, जिसे आप चिनअप भी कहते हो, ठीक है गाइस, बहुत सारे लोग पुलअप्स क्या चिनअप भी कहते हैं, तो गाइस मैं बता दूं, यदि आप चिनअप नहीं लगा पाते हो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है गाइस। इससे भी आपकी बैक जो पीछे की बैक है वो बिल्कुल चौड़ी हो जाएगी, ठीक है। आपको ऐसे लगाने हैं, आपको इसके 4 सेट 12 रेपिटेशन लगा सकते हो, आराम से लगाए गाइस। इसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आपको हल्का करना है। आप आराम आराम से कर सकते हो गाइस, क्योंकि इससे जो है बहुत ज़्यादा वेट हमारे शरीर पे पड़ता है। तो गाइस आपको पता है कि हमें किसी भी तरह से गलत एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है, जिससे हमारा शरीर में बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो गाइस अभी देख सकते हो, आपको यदि इस तरह से दर्द होने लगा तो आप अपने कमर पे हाथ रख सकते हैं, तो गाइस इससे सपोर्ट मिलता है। और या फिर आप इस तरह से आप नीचे, ठीक है, अपने नीचे पैर को छूने की कोशिश करना है, ठीक है गाइस। जो आपका जो पेन रहता है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, आपको दूसरे दिन नहीं होगा, ठीक है गाइस। आप इस तरह से कर सकते हो, मैं पर्सनली यूज करता हूँ, इसलिए आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी इस तरह से करें, ठीक है गाइस। वीडियो लंबी बन रही है तो गाइस मुझे माफ़ करना, ठीक है गाइस। ओके गाइस, ठीक है, आपको इस तरह से करना है। तो गाइस फाइनली यार वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। मैं जानता हूँ वीडियो की क्वालिटी बहुत बेकार आ रही है, लेकिन गाइस क्या कर सकते हैं, हमारे पास इससे अच्छा डिवाइस नहीं है, तो आयो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आप ठीक है, आप अपना शरीर बनाइए गाइस, हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना शरीर बिल्कुल हमारे साथ, ठीक है। आप इस समय आप भी बिगनर हो सकते हो गाइस, अभी जिम आप शुरू किए हो या फिर आप ही हमारा फैमिली अभी भी हिंसा बने हो, तो सारी वीडियो जरूर देखे, ठीक है। इसमें हर वीडियो आपको मोटिवेशन करता रहूँगा। एक गाइस दूसरी एक्सरसाइज है, आप इस तरह से लगा सकते हो, आपके पास कोई भारी चीज़ या लकड़ी से भी लगा सकते हो, लेकिन थोड़े भारी होनी चाहिए, जिससे जो हमारे शोल्डर एल्बो सब पे जो हमारे वो पड़े, ठीक है। आप आपको बस इसी तरह से लगाना है आपको, ठीक है, आराम से करना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में थोड़ा रिस्की है गाइस। कभी कभी ये हो जाता है कि अचानक हाथ से वो छूट सकता है, तो पैरों में चोट का खतरा बना रहता है, ठीक है। आप आराम से लगाइए, ठीक है। आप बढ़ते रहते, मिलते हैं गाइस आपको अगले वीडियो में, तब तक ठीक है, नए वीडियो आने का इंतजार कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस।